हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। ध्यान देने योग्य ज़रूरी बातें, औरतें अपना समय निकाल कर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर पहला, अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो बथुआ की ताज़ा पत्तों का रस 15 ग्राम प्रतिदिन पिए, इससे जोड़ों का जो दर्द है वो दूर हो जाता है। नंबर दो, जाड़े के दिनों में मतलब ठंड के दिनों में नाभि में सुबह शाम तेल लगाने से, सरसों का तेल लगाइएगा, तो इसको लगाने से तेज़ आपका दिमाग तेज़ होता है और आपकी एड़ियाँ भी नहीं फटती हैं और चेहरा भी गुलाबी होता है और चेहरे पर भी आपकी शाइनिंग बनी रहती है। नंबर तीन, जुखाम में तुलसी अमृत के समान फल होता है। खांसी और जुखाम होने पर 5 से 7 पत्तियों को पीस कर पानी में डालकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को पिए। नाक बंद होने पर तुलसी की मंजरियों को रुमाल में डालकर सूंघने से नाक खुलकर आराम मिलता है। नंबर चार, अगर आपके घर पर कहीं भी कन खजूरा दिखाई दे तो गूंथे हुए आटे को तुरंत कन खजूरे के ऊपर डाल दें। कन खजूरा उस आटे में चिपक जाएगा और आप आसानी से उसे बाहर फेंक सकते हैं। नंबर पाँच, जो औरत घर में पोछा लगाते वक्त पोछे वाले पानी में नमक डालते हैं तो उससे पोछा लगाए तो घर में क्या होता है, सुख शांति बनी रहती है और कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो नमक डाल के पोछा आप कम से कम हफ्ते में तो एक बार लगा ही सकते हैं, अदरवाइज़ आप डेली लगाते तो और अच्छी बात है। नंबर छः, थायराइड में व्यक्ति वज़न घटने के कारण आसानी से थक जाता है, तो कमज़ोरी को दूर करने के लिए केले का सेवन करना चाहिए। केले से शरीर को एनर्जी मिलेगी और आप दूध के साथ केले को खा सकते हैं या केले का शेक बनाकर भी पी सकते हैं, या फिर आप रोज़ाना 2 केले का सेवन करें और थोड़ी देर बाद 1 गिलास गुनगुना दूध आप ऊपर से पी लें। नंबर 7, 1 गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर पिए, इससे बंद नाक और गले की खराश में आपको आराम मिलता है, नाक से पानी बहना भी बंद हो जाता है। नंबर 8, यदि आप रात को सोने से पहले चेहरा धोने की आदत डालते हैं और मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो इससे झुर्रियाँ कील मुहासे नहीं होते हैं और चेहरे पर निखार बना रहता है, इसलिए चेहरा हमेशा फेस वॉश करके सोए और मॉइस्चराइज़र लगा के सोए। नंबर 9, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और मैदा का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसानदेह होता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है। नंबर 10, पेशाब में ज़्यादा पीलापन आने लगे तो नींबू वाला पानी पीना शुरू कर दें। नंबर 11, यदि चक्कर आने की समस्या है तो गुड़ खाया करें, इससे एनर्जी मिलती है। नंबर 12, रात को सोने से पहले पैरों की मालिश करने से बीमारी जल्दी नहीं आती और नींद भी अच्छी आती, रिलैक्स होकर सोते हैं। नंबर 13, रोटियों के डिब्बे में लौंग रख देने से रोटियां मुलायम बनी रहती है, तो रोटियों के डिब्बे में आप लौंग ज़रूर रख दिया करें। नंबर 14, कमर दर्द की समस्या से परेशान है तो रोज़ाना दोपहर के समय थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर पानी के साथ लेने से दर्द में आराम मिलता है। नंबर 15, रसोई का और बाहर का अलग अलग डस्टबिन बनाएं, साथ ही डस्टबिन को हर रोज़ साफ़ करें जिससे किचन में गंदगी और कीड़े मकोड़े ना हों। पहले ऐसा करने से आप जो बीमारियां होती हैं उससे भी आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलती हूँ आपसे।